आप देख रहे हैं एनबीसी 24, मैं हूं अजय कुमार। आपको बता दें बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी के एमएलसी विनोद कुमार जायसवाल पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। जी हां, हमारे सामने आवास में देख सकते हैं कि कोलकाता से आई हुई आईटी की टीम के द्वारा इनके आवास पर, पटना में कई आवासों पर यहाँ पे रेड चल रही है। आपको बता दें कि यह कदम कुआं का मोहल्ला है, जहाँ पर कि इनके आवास पर सुबह से ही इनकम टैक्स की रेड चल रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये विनोद कुमार जायसवाल जो आरजेडी के एमएलसी हैं, ये बड़े शराब कारोबारी हैं और इनकम टैक्स चोरी के मामले में इनके पटना स्थित कई आवासों पर घंटों से इनकम टैक्स की रेड जारी है। हालांकि आपको बता दें कि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है कि अंदर से अभी तक क्या बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अंदर में कई टीमें हैं और पटना के कई आवासों पर इनकम टैक्स की जो रेड है लगातार जारी है। कलकत्ता से आईटी की टीम आई है, इनकम टैक्स की टीम आई है और वह पटना स्थित कई आवासों पर लगातार छापेमारी जारी है। तस्वीरों में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि यही वह विनोद कुमार जायसवाल का आलीशान मकान है। यहीं पर कलकत्ता से जो आईटी की टीम आई हुई है लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हालांकि अंदर मीडिया कर्मियों को जाने की मनाही है, जिसके कारण बाहर से ही सारा दृश्य आपको दिखाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के कई आला अफसर कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से आने के बाद विनोद कुमार जायसवाल के पटना सहित कई आवासों पर लगातार छापेमारी जारी है और इसकी पुष्टि आपको बता दें कि आगे भी हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे कि क्या लगातार छापेमारी के दौरान मिला है या नहीं मिला है। आपको बता दें कि यह बहुत ही बड़े शराब के कारोबारी हैं और कलकत्ता में भी इनके कई ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है और बिहार में कई आवास हैं, इनके आवासों पर भी लगातार छापेमारी जारी है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें एनबीसी 24।